भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में झूमे श्रद्धालु जय। रानी बड़ौद में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथावाचक पंडित दिलीप आनंद के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा विस्तृत रूप से सुनाई गई। कथा में कंस के द्वारा जो अत्याचार किए गए तथा कंस ने बहन देवकी को किस प्रकार कारागृह में रखा और कितनी उनको यातनाएं दी, सभी के कष्ट हरने के लिए भगवान विष्णु ने किस प्रकार से कृष्ण अवतार लिया और कृष्ण अवतार लेने के बाद पूरे कथा पंडाल में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्मोत्सव के दौरान आल की पाल की जय कन्हैया लाल की, भगवान श्री कृष्ण के जयकारों एवं नारों से पूरा पंडाल एवं आसपास का क्षेत्र गूंज उठा। ग्राम रानी बड़ौद में राठौर परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें ग्राम के कामधेनु गौशाला समिति एवं महानुभव के द्वारा कथावाचन एवं आयोजक परिवार का हार माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। सुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।